बीजेपी इन दिनों चुनावी रणनीति में जुटी हुई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चाक चौबंद रणनीति बनाई है और राहुल गांधी जल्द ही एमपी में हुंकार भरने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बेबाकी दिखाई। मंत्री यादव का कहना है कि राहुल गांधी ने मिशन 2018 में भी उज्जैन आकर चुनावी सभा ली थी, जिसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिला था, और अब मिशन 2023 में भी यदि वे उज्जैन से शंखनाद करेंगे तो इसका फायदा भाजपा को ही होगा। देखिए एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ मंत्री मोहन यादव की ये बेबाक बात। चुनावी साल है और भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने वाली है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जी है। मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी रणनीति के मोड में है, चुनावी इलेक्शन मोड में आ गई है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 28 मिनट हमेशा चुनाव मोड में रहती है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हमारी जीवंतता है, और जीवंतता को चुनाव से न देखते हुए रोज़मर्रा की तरीके से हम लेते हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे से हर दम तैयार रहती है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और इसलिए ये गंगा के निर्मल प्रवाह की तरह लगातार अपने उस प्रभाव को बनाए रखती है, जिसमें सभी प्रकार के वर्ग, सभी प्रकार के आयु, सभी प्रकार के उत्साह उमंग के एजेंडे को लेकर कम चलते हैं। विपक्षी दल कमलनाथ, उनका आत्मविश्वास से वो लबरेज हैं, कह रहे हैं कि सर्वे उनके आंकड़े उनके फेवर में आ रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? आयु बता रही है कि वो कितने ऊर्जा से बने होंगे। जब आप दुनिया के सबसे युवा देश में भारत शामिल हो गया, तो मध्य प्रदेश भी उसी में है, और ऊर्जा का उत्साह आप बताइए, किसी एक पार्टी के अध्यक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष भी वही बनेंगे, मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, अध्यक्ष भी वही बनेंगे, कोई छोटे बड़े निर्णय भी वही करेंगे। भगवान करे, हम तो चाहे वो बने रहे, तो हम तो अपना काम करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, महाकाल नगरी की बात करें, तो बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं, एक बार फिर तैयारी है राहुल गांधी की वहाँ पर सभा कराने की, कोई चुनौती है क्या? आप स्मरण करिए, पिछली बार राहुल गांधी ने उज्जैन से मेरी विधानसभा से शुरुआत की थी, और मैं 13 में 10,000 जीता था, 18 में 20,000 से जीता हूँ। भगवान करे वो ऐसे आते रहो, हम डबल डबल से वोट से जीतते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार के उप शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, जिनका दावा है कि राहुल गांधी की सभा का कोई असर उज्जैन यानी कि महाकाल नगरी में नहीं दिखाई देगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ भोपाल।